हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ TSAU जूनियर असिस्टेंट के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पर लिखा है TSAU जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड एग्ज़ाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज आपको इस वीडियो में सबके बारे में बताऊँगी। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ GSAU या फिर नोटिफिकेशन हाइलाइट्स, वैकेंसी, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ एंड सैलरी, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर है व्हाट इज़ DSAU। DSAU क्या है और इसको किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन किस तरह से देखना रहता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स का डेट, फिर एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, इन सब चीज़ का डेट रहता है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना रहता है, सैलरी कितनी होती है और सिलेबस आपको क्या क्या स्टडी करना रहता है, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन में दिया रहता है। फिर हाइलाइट्स है, जैसे कि एग्ज़ाम का नेम क्या है, कौन कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या कौन सा है, स्टेट है या फिर नेशनल लेवल। तो फिर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो स्टेट लेवल का होता है और इस एग्ज़ाम है वो साल में सिर्फ एक बार होता है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है और आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। लैंग्वेज जो है एग्ज़ाम को इंग्लिश एंड हिंदी होता है। पोस्ट का नेम जूनियर असिस्टेंट है एंड ऑफिशियल वेबसाइट। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे कि जनरल एंड अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 19 दिया गया है, OBC के लिए 11 है, SC के लिए 6, ST के लिए 3 एंड EWS के लिए 3 हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी थ्री टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स टू 35 एज के अंडर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं या फिर 35 से ज़्यादा तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन रहता है, आपको मतलब आपका मार्कशीट चाहिए रहता है 10th 12th का, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती हैं। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया 500 एंड OBC, SC, ST के लिए यहाँ पे दिया गया 250 रुपीज़। और आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपका किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट, वॉलेट और फिर क्रेडिट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और उसके बाद आप अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, सारे आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। फिर एडमिट कार्ड दिया गया। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज पहले आती हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है।
ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। एडमिट कार्ड के अंदर आपका नेम रहेगा, एग्ज़ाम का रोल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम, फिर एग्ज़ाम वेन्यू, फादर्स नेम एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, से सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर सिलेबस, आपको क्या क्या सिलेबस स्टडी करनी रहती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड एबिलिटीज़ है, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, कल्चर है, जोग्राफी, इकोनॉमिक ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव है यहाँ पे, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। फिर यहाँ पे सेक्शन सेकंड में है एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, ये सारा आपको सिलेबस स्टडी करना रहता है। फिर सेलेक्शन प्रोसेस में, अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में अगर आपने अच्छे नंबर से पास कर लिया तो फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। प्रिपरेशन टिप्स दिया गया है, अगर आप स्टडी और प्रिपरेशन इन एडवांस, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए पहले से ही स्टडी करनी रहती है। फिर रिफर्स टू मल्टीपल सोर्सेज, आपको मतलब बहुत सारी स्टडी करनी रहती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। और फिर आते हैं मेकिंग अ चेकलिस्ट, फिर यहाँ पे सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर, फिर यहाँ पे बहुत सारे दिया गया है आपको किस तरह से हर एक चीज़ के प्रिपेयर करना रहता है। फिर हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपका दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर रिज़ल्ट दिया गया है किस तरह से आपको चेक करना रिज़ल्ट, उन सब की प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स पे, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जैसे कि जनरल एंड अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 40% दिया गया है, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 35%, एंड शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया 30%। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स लाना रहता है। अगर आपको इससे कट ऑफ मार्क्स कम आएगा तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी दी गई है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज है, जैसे कि यहाँ पे सैलरी यहाँ पे 900 to 63,200, ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 3600 दिया गया है। फिर डियरनेस एलिमेंट्स के लिए 11% ऑफ बेसिक पे, एंड एच आर ए के लिए 24% है। सो यहाँ पे कुछ एफिक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।